सूरह लुकमान 31 उसकी 34 आयत, इन अल्लाह इंदहु इल्मुस साआ व युनज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत इन अल्लाह अलीमुन खबीर। बेशक अल्लाह के नज़दीक घड़ी का इल्म है और वो बारिश नाजिल बरसाता है और वो इल्म रखता है जो रहमों में है और कोई नफ्स अदराक नहीं रखता कि वो कल क्या कमाएगा और कोई नफ्स अदराक नहीं रखता कि किस ज़मीन पर उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह जानने वाला खबर रखने वाला है। अच्छा, अभी ये जो आयत मैंने आपको बताना इसलिए था कि हमारे माशरे में इस आयत के वजह से आप लोगों को मना कर दिया कि अल्ट्रासाउंड ना कराएं। इसमें कोई ऐसी बात नज़र आ रही है आपको अल्ट्रासाउंड की? अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, देखिए मैंने इसलिए आपको इस लेक्चर में ये बात रखी थी क्योंकि मुर्रबा जो तर्जुमा चला आ रहा है उसकी वजह से बता रहा हूँ, प्रॉब्लम आती है। अरबी में अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह ताला सात जब वक्त आएगा घड़ी जो उस वक्त का वक्त वो जानता है और अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है। असल प्रॉब्लम यहाँ है, वह यालमु मा फिल अरहाम, और वो जानता है जो रहमों में। ये अरबी में लिखा है वह यालमु मा फिल अरहाम और तोए बनी हुई है फुल स्टॉप। देखें ऐसे ही लिखा हुआ है ना, वो जानता है जो रहमों में, बात यह ख़त्म हो रही है, एक मुकम्मल बात है वो। अब जो हमारे मुफस्सरीन है तर्जुमा करने वाले, उन्होंने लिखा वो जानता है रहमों में लड़का है या लड़की, ये लिख दिया। अब आदमी जब कुरान पढ़ रहा होता है तो तर्जुमा पढ़ रहा है, अरबी देख नहीं रहा, सही है ना, समझ रहे मेरी बात को? अब वो समझ रहा है कि लड़का लड़की अल्लाह जानता है, ये उन्होंने कुरान अरबी में नहीं लिखा हुआ यहाँ, मगर वो समझ रहे हैं अल्लाह ने लिख दिया कि अल्लाह जानता है जो कुछ आराम रहमों में लड़का या लड़की। और आगे लिखा वमा तरी नफ्सुम माज़ा तक्सिब, और कोई आगे लिख दिया और कोई नफ्स ही जानता। लेकिन अगर आप गौर करें या कुरान में किस तरह वाज़े लिखा हुआ है, वह यालमु मा फिल अरहाम, वो जानता है जो रहमों में, फुल स्टॉप। आगे लिखता है वमा तदी नफ्सुम मादा तकसिबु गदा, और कोई नफ्स ये नहीं जानता कि वो जो नफ रहमों में वो कल क्या कमाएगा। कोई जान सकता है ये कि व्हाट ही विल अर्न टुमारो, वो जो नफ्स में है जो रहमों में है वो कल क्या कमाएगा, कोई नहीं जानता। और फिर आगे लिखा है वमा तदी नफ्सुम बी अय्यि अर्दिन तमूत, और ये भी कोई नहीं जानता कि वो किस ज़मीन के हिस्से में मरेगा, ये बात लिखी हुई है। लेकिन अगर आप दूसरे तर्जुमे उठाएंगे उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि कोई नहीं जानता लड़का है लड़की, लिहाजा वो कौन है उससे पता चला लिया, अल्ट्रासाउंड को हराम कर दिया। अल्ट्रासाउंड कैसे, जब अल्लाह ने कह दिया तो कोई नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है भाई? उसने ये कहा कि तुम नहीं जान सकते, ये तो नहीं लिखा कि तुम नहीं जान सकते रहमों में क्या है। वो कह रहे मैं जानता हूँ, वमा यालमु व यालमु मा फिल अरहाम, अल्लाह जानता है जो रहमों में। इसका ये मतलब नहीं कहा अल्लाह ये कह नहीं कहा तुम नहीं जान सकते, आप बात समझ रहे हैं? तो ये एक मिस ट्रांसलेशन की वजह से मैंने ये आयत यहाँ बताना ज़रूरी समझी कि हमारे माशरे में अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए और उसके शौहर साहब जो हैं वो अगर बेटी हो जाए तो कोई नाराज़ ना हो, उनकी अच्छी तरह एक वो मालूमात कर ले, उसकी बीवी ये मालूम कर ले कि मेरे भैया को ये बुरा तो नहीं लगे, और उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए दोनों को, तो फिर पूछ अल्ट्रासाउंड करा ले। मगर ये अल्ट्रासाउंड वाले बताते नहीं हैं, वो इसी नहीं बताते, उन्हें पता होता है कि पीठ झगड़ा हुआ इनका आपस में ख़ानदानों में और पता नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह जानता है रहमों में क्या है, इसका ये मकसद नहीं है कि आप नहीं जान सकते। तो ये कुरान की आयत इसी मैंने आपको यहाँ बता दी।